हेलो एवरीवन, दिस इज मी रोशन पहाड़े, वेलकम बैक। हम लोग जो हेलो एल्केन्स का चैप्टर कर रहे थे और उसका पार्ट 4 है इस वीडियो में। हम लोग अभी जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज देखे थे अल्काइल हैलाइड्स के, अभी हम लोग इसके केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। सो द रिएक्शन ऑफ केमिकल अल्काइल हैलाइड जो है वो अभी हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट रिएक्शन हम लोग बेस के साथ में करने वाले हैं, विच विल बी मोस्टली एन एक्विस सोल्यूशन। तो एक तो आप यहाँ पे KOH ले सकते हैं या फिर आप यहाँ पे NaOH ले सकते हैं, दोनों में से आप कुछ भी एक यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और अल्काइल हैलाइड्स आपको पता है, हम इन जनरली अल्काइल हैलाइड्स को Rx से रिप्रेजेंट करते हैं, तो Rx मैंने यहाँ पे लिखा है एंड KOH के साथ में आप उसके रिएक्शन कर रहे हैं। तो जब हम इसके रिएक्शन करते हैं, बेसिकली होता क्या है, इस कंडीशन में जब वो एक बेस के साथ में रिएक्ट कर रहा है, वो एक अल्कोहल प्रोड्यूस करता है। तो जो आपका KX का जो कंपाउंड है, वो KX यानी जो पोटेशियम या फिर सोडियम और उसके साथ जो भी हैलोजन है वो रिमूव हो जाएगा और आपका ROH का जो कंपाउंड है वो अटैच हो जाएगा। तो एक अल्कोहल का फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलता है। एक एग्जांपल है ब्रोमोइथेन का, सो C2H5Br आ जाएगा प्लस अभी KOH की जगह पे फॉर एग्जांपल मैं NaOH लेता हूँ। अगेन इट विल बी इन एक्वियस कंडीशन और आपको क्या करना है, इसको हीट करना है। क्या किया था हम लोगों ने, ये जो NaBr था इसको हम लोगों ने यहाँ से रिमूव कर दिया था और आपको जनरेट हुआ था एक अल्कोहल। तो यहाँ पे भी हमको क्या करना है, अल्कोहल को जनरेट करना है। So this will be C2H5OH plus it will be NaBr। तो आपको पता है C2H5OH मतलब एक तो इसको इथेनॉल बोलते हैं या फिर इथाइल अल्कोहल ऐसा बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग मॉइस्ट सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ में यहाँ पे रिएक्शन करेंगे। तो आपके पास अल्काइल हैलाइड तो है, अब मॉइस्ट कंडीशन में सिल्वर हाइड्रोक्साइड हम लोगों ने यहाँ पे लिया है, Ag2O as a catalyst in the presence of heat। अब यहाँ पे हम लोग वापस क्या करेंगे, आपका वापस क्या होने वाला है, अल्कोहल का फॉर्मेशन होने वाला है और ये जो AgX का कंपाउंड है या जो बाय प्रोडक्ट बाहर रिमूव होता है। अगेन मैंने ब्रोमोइथेन का एग्जांपल लिया, तो C2H5Br आ जाएगा प्लस यहाँ पे आ जाएगा AgOH, Ag2O और जो हिट का सिंबल है ये ऐसे ही लिखेंगे आप यहाँ पे। वापस आप लोग क्या करेंगे, Ag के साथ में जो Br है इसको आप लोग रिमूव कर देते हो तो फिर आपको क्या मिलता है, C2H5OH, यानी कि यहाँ पे वापस इथेनॉल आपको मिलेगा और जो AgBr है बाय प्रोडक्ट आपको बाहर मिलता है। नेक्स्ट अब ये और ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए कि हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं। पहले हम लोग यहाँ पे पोटेशियम साइनाइड के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं, ये बात आप यहाँ पे याद रखें कि हमारी जो रिएक्शन है पोटेशियम साइनाइड के साथ में है और पोटेशियम साइनाइड ऑब्वियसली हम लोग किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, अल्काइल हैलाइड्स के साथ में। तो Rx प्लस KCN जब होगा, अब इसको इस सॉल्यूशन को हम लोग क्या करेंगे, जो भी रिएक्शन मिक्सचर है आपका हम लोग उसको बॉइल करेंगे। तो ये जो KX है हम लोग इसको क्या करने वाले हैं, यहाँ से रिमूव करने वाले हैं। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बचता है, यानी क्या प्रोडक्ट्स आएंगे, RCN का जो प्रोडक्ट आएगा वो और ये जो KX है ये वाला प्रोडक्ट एज अ बाय प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिलता है। इसमें एक और बात याद रखिए, जो साइनाइड का ग्रुप है वो CN का ग्रुप होता है, आपको दोनों की वैलेंसी कंप्लीट करनी है। तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है। तो इस कार्बन को देखिए 1, 2, 3 एंड 4, तो आपकी कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट है और ये जो नाइट्रोजन है इसकी ये 3 वैलेंसीज कंप्लीट है, तो ये वाला ग्रुप यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। अब देखो उसकी रिएक्शन देखेंगे हम, वापस मैंने यहाँ पे ब्रोमोइथेन लिया, उसकी रिएक्शन हम लोग KCN के साथ में करेंगे। तो ये जो KBr का प्रोडक्ट है इसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं, तो बचेगा क्या, जो मेन प्रोडक्ट है वो C2H5Cl यहाँ पे ये आ जाएगा और ये जो KBr है वो फिर हम लोग यहाँ पे बाहर लिख सकते हैं। नाउ दिस इज इथाइल साइनाइड, ये जो आपका यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है वो। अगली जो रिएक्शन है जो हम लोग करने वाले हैं AgCN के साथ में, इसको सिल्वर साइनाइड बोलते हैं या फिर इसको कार्बिलामाइन रिएक्शन भी बोला जाता है। अब कार्बिलामाइन रिएक्शन क्यों बोलते हैं ये मैं आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, जब कौन सा भी अल्काइल हैलाइड आप AgCN के साथ में रिएक्ट करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो AgX ये वाला जो प्रोडक्ट है ये रिमूव हो जाता है। लेकिन जब आप यहाँ पे पोटेशियम की जगह पे सिल्वर का यूज करेंगे तो ग्रुप CN की जगह पे आपको NC लिखना पड़ेगा। तो जब आपका CN का ग्रुप आ रहा था इसको हम लोग लिख रहे थे साइनाइड, अब अगर आपका NC का ग्रुप आ रहा है तो आपको इसको लिखना पड़ेगा आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड को कार्बिलामाइन भी बोला जाता है, इसीलिए इस रिएक्शन का दूसरा नाम है कार्बिलामाइन रिएक्शन। तो देखिए हम लोगों ने फिर क्या किया, AgX जो था उसको हम लोगों ने रिमूव कर लिया, तो जो R और CN है उसकी जगह पे आपको क्या मिलेगा, R एंड NC। तो इसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे, अल्काइल आइसोसाइनाइड। एग्जांपल देखिए C2H5Br plus AgCN है, तो वापस हम लोग क्या करेंगे, इस AgCN को हम लोग यहाँ से रिमूव करने वाले थे। तो AgCN जब रिमूव हो जाता है तो जो आपका मेन प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, C2H5Cl है यहाँ पे,
तो C2H5NC हो जाएगा प्लस AgBr, और ये जो C2H5NC आपको मिला था इसको हम लोग बोलेंगे इथाइल आइसोसाइनाइड। जो नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखेंगे वो हम लोग अल्कोहलिक अमोनिया के साथ में रिएक्शन देखने वाले हैं कि क्या है। सो Rx है, अब ये जो अमोनिया है यानी कि जो MH3 है इसको मैंने ब्रेक किया है H एंड NH2 में, ठीक है। अब जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो ये एक आप इसको बाहर रिमूव कर सकते हैं HX को, तो बच के जाता है RNH2। तो ये जो RNH2 यानी कि अमाइन का ग्रुप है ये बाहर आ जाएगा, और ये जो HX है ये एज अ बाय प्रोडक्ट आपको मिल सकता है। एक एग्जांपल देखते हैं क्लोरोमीथेन का, तो CH3Cl आया प्लस इसको मैं ऐसे लिखता हूं जो NH3 था वो इन अल्कोहलिक कंडीशन, बाकी ये एरो की जो कंडीशन है ये ऐसे ही होंगे। ये जो HCl है इसको आपको क्या करना है यहां से रिमूव करना है, तो बचता क्या है फिर CH3NH2 प्लस आगे आपको मिलेगा HCl, ये आपको इसमें याद रखना है। नेक्स्ट एक काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमारे इसके रिएक्शन होती है Rx प्लस RONA के साथ में सोडियम अल्कोक्साइड, लेकिन फिर ये सोडियम अल्कोक्साइड आया कहां से, उसके लिए पहले हम लोग सोडियम अल्कोक्साइड को प्रिपेयर करेंगे, बाद में इस रिएक्शन को देखते हैं। तो आपके पास अल्कोहल का ग्रुप चाहिए ROH, और अल्कोहल का जो ग्रुप होता है उसको हम सोडियम मेटल के साथ में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। अब इसमें बेसिकली क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है इस पोजीशन पे, यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में लिबरेट हो जाता है, तो फिर क्या होगा RONA का प्रोडक्ट आपको मिलता है। अब ये H2 था इसलिए आपको ये 2-2 लिख के सबको बैलेंस करना पड़ा यहाँ पे, तो यहाँ पे सोडियम अल्कोऑक्साइड आपको मिलेगा और हाइड्रोजन का गैस यहाँ से लिबरेट होगा। अब ये जो सोडियम अल्कोऑक्साइड हमको मिला है वो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, मैंने सिर्फ अपोजिट लिखा है ताकि मुझे सब्स्टिट्यूशन करने के लिए इजी हो। तो Rx प्लस RONA, अब ये वाला जो ग्रुप है इसको मैं यहां से रिमूव कर दूंगा। तो अब यहाँ पे अगर मेरे दोनों भी R के ग्रुप सेम है तो मुझे यहाँ पे मिलता है एक सिंपल ईथर, यहाँ पे हम लोग ईथर फॉर्म करेंगे, तो NaH जो है वो तो रिमूव हो जाएगा, तो ROR, इसका सिंपल ईथर से मेरा मतलब क्या है, दोनों R के ग्रुप सेम है। फॉर एग्जाम्पल दोनों R के ग्रुप जो है वो CH3 हो सकते हैं, दोनों R के ग्रुप जो है वो C2H5 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, और ये जो ROR होता है इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं ईथर। तो जो नेक्स्ट रिएक्शन मैंने लिखा है वो मिक्स्ड ईथर के लिए लिखा है, मतलब पहला जो आपका R का ग्रुप है वो और जो सेकेंड R का ग्रुप है ये दोनों डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि हम लोग अभी एक एग्जाम्पल लेंगे, एक R का ग्रुप CH3 है और दूसरा R का ग्रुप C2H5 हो सकता है। अब यहाँ पे भी रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्शन तो सेम ही होगी आपकी, सिर्फ जो ईथर है वो आपको मिक्स्ड मिलेगा, तो अगेन NaH का जो प्रोडक्ट है वो आपको बाहर मिलता है, और ROR- वाला जो प्रोडक्ट है ये आपको फर्स्ट प्रोडक्ट यहाँ पे ऐसे ही मिलेगा। तो अभी इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं आपको मिक्स्ड ईथर का एक एग्जांपल देता हूँ। तो वो जो Rx था उसकी जगह पे हमने CH3Br लिया है, यानी कि ब्रोमोमीथेन हम लोग ले रहे हैं, और ये जो NaOR है, ये जो R है इसकी जगह पे हम लोगों ने C2H5 को प्लेस किया है। क्या किया था हम लोगों ने, ये वाला जो ग्रुप है इसको रिमूव किया, तो आपके पास क्या बचता है CH3O-C2H5, CH3 और ये जो C2H5 था ये यहाँ पे लिया, प्लस यहाँ पे आपको मिलता है NaBr। हम लोग इथर का वैसे आगे नॉमेनक्लेचर देखेंगे कमिंग वीडियोस में, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ इसका नाम होता है इथिल मिथिल इथर। यहाँ पे ई पहले आता है, अल्फाबेटिकली हम लोग इसको लिखते हैं, तो ये वाला ग्रुप का नाम इथिल फिर मिथिल, और ये पूरा क्या है एक इथर का ग्रुप है, इसलिए इसका नाम आएगा इथिल मिथिल एंड इथर। नेक्स्ट, अभी अगले जो ये रिएक्शन हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं, इस रिएक्शन में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे आप लोगों को मिला था इथर, इस रिएक्शन में हमको यहाँ पे मिलने वाला है ईस्टर। अब देखते हैं इसमें डिफरेंसेस क्या है। Rx का ग्रुप है आपके पास, प्लस आपने क्या किया, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड लिया है। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, RC(OO)Ag, यहाँ पे सिल्वर के Ag से आपका सिल्वर आ जाएगा, और फैटी एसिड के लिए एसिडिक ग्रुप को दिखना चाहिए, तो COOH टाइप्स कुछ वो ग्रुप यहाँ पे होना चाहिए, तो इसीलिए ये ग्रुप हम लोगों ने यहाँ पे लिया है। इसको आपको क्या करना है, हीट करना है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो HEX है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूं, तो फिर क्या बच जाता है R- वैसे लिखा मैंने OC(OR), तो OC(OR) भी वैसे लिखा है, और ये जो HEX है इसको मैंने फिर ऐसे क्या किया है, रिमूव किया है। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे हम लोग जो लेंगे वो, तो यहाँ पे हाँ एक और बात है, यहाँ पे एक तो ये दोनों R के ग्रुप सेम हो सकते हैं या फिर डिफरेंट हो सकते हैं, फिलहाल मैंने क्या किया है दोनों भी ग्रुप्स को सेम लिया है, तो यहाँ पे मैंने लिया है CH3I और आगे AgOC(OR), ये वैसे ही बनना है।
फिलहाल यहाँ पे जब कॉमन नेम दे रहे थे तो सिल्वर सॉल्ट और फैटी एसिड बोला था हमने, लेकिन जब आप एक्चुअल में इसका नॉमिनेशन लिखते हैं तो AgO C डबल बॉन्ड O CH3 को लिखा जाता है सिल्वर एसिटेट। सिंपल काम है। आपको फिर क्या करना है, ये जो AgI है इसको आपको यहाँ से रिमूव कर देना है। तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, CH3O C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस AgI, ये जो यहाँ है आपको यहाँ पे प्रोडक्ट मिलता है। जो नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग लेने वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रिएक्शन का नाम है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन या फिर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। सो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है, ऑब्वियसली डी का मतलब हो जाएगा रिमूवल, यहाँ पे एक बार आएगा हाइड्रो और फिर हैलो, मतलब हाइड्रोजन और हैलोजन का रिमूवल होना चाहिए। ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। और बीटा का मतलब मैं आपको समझा दो क्या होता है। हैलोजन जिस कार्बन को अटैच है वो कार्बन अल्फा कार्बन होता है, और अल्फा कार्बन के आगे वाला कार्बन जो आएगा वो बीटा कार्बन होगा। यानी हैलोजन जिस कार्बन को अटैच हो गया वो तो अल्फा है, उसके आगे फिर बीटा, फिर गामा, फिर डेल्टा, इस हिसाब से वो रन होता जाएगा। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, KOH अल्कोहलिक कंडीशन में लेना है, यहाँ पे एक्वियस नहीं लिखना है। मैंने आपको आप ही बताया था अगर आपकी इसकी रिएक्शन एक्वियस के साथ में करेंगे तो अल्कोहल प्रिपेयर हो जाएगा, हम लोग को अल्कोहल नहीं प्रिपेयर करना है। बीटा एलिमिनेशन या फिर डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होने के बाद में अल्किन प्रिपेयर होता है, तो ये बात को आपको याद रखना है। तो जब आप इस रिएक्शन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले तो क्या होगा, ये के और ये जो एक्स है ये बाहर निकलता है, ठीक है। अब जब ये रिमूव हो रहा है तो इस कार्बन की एक वैलेंसी कम हो रही है, तो उसके साथ में क्या होता है, ये OH और ये H भी रिमूव हो जाता है। सो एक तो KS और एक H2O, ऐसे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाते हैं। अब कंडीशन ये है कि यहाँ पे इन दोनों की भी वैलेंसी एक एक से कम हो गई है, तो दोनों कार्बन को उनकी वैलेंसीज वापस देने के लिए इस सिंगल बॉन्ड को हम लोग क्या करते हैं, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको एक अल्किल का फॉर्मेशन होता है। अब आप एक बात यहाँ पे समझिए, हम इसको बीटा एलिमिनेशन क्यों बोल रहे हैं। देखिए क्या है, बीटा एलिमिनेशन इसीलिए बोला है बिकॉज हम लोगों को बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करना है। बीटा कार्बन का जो हाइड्रोजन अटैच है हम उसको बीटा हाइड्रोजन बोलेंगे। अब यहाँ पे आपको बीटा हाइड्रोजन को रिमूव इसीलिए करना है बिकॉज होता क्या है, ये एक्स तो आप रिमूव करते ही हो, अब ये हाइड्रोजन की जगह पे कहीं हम लोग यहाँ के हाइड्रोजन ना रिप्लेस कर दे, यानी कि ये जो H2 है कहीं हम उसको ना रिमूव कर दे। इसीलिए स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि अल्फा पोजीशन से, यानी हाइड्रोजन जो अटैच होगा वो तो अल्फा पोजीशन ही होगी, तो अल्फा पोजीशन से आप एक बार जब उसको रिमूव करेंगे तो बीटा का ही हाइड्रोजन आपको रिमूव करना है, इसीलिए रिएक्शन को हम लोगों ने बोला है बीटा एलिमिनेशन। अब देखिए इसका एक एग्जांपल है, ये इसका अगर आप नाम लिखेंगे तो एक तो आइसोप्रोपिल क्लोराइड हो जाएगा या फिर टू क्लोरोप्रोपिल, इस हिसाब से इसका नाम आएगा। अब हैलोजन जिस कार्बन को अटैच है वो अल्फा कार्बन है, बराबर। अब अल्फा के आगे वाला क्या होगा, बीटा होगा, लेकिन फिर ये भी बीटा है और ये भी बीटा है, तो क्या हो जाएगा, हम इसको लिखते हैं बीटा वन और हम इसको लिख देंगे बीटा टू, बिकॉज आपका जो क्लोरिन है वो सेंटर में आ रहा था। अब एक तो आप यहां से हाइड्रोजन रिमूव करो या यहां से हाइड्रोजन रिमूव करो, बात एक ही है बिकॉज क्लोरीन इन बिटवीन है। तो आपने कैसे, फॉर एग्जांपल मैंने बीटा टू से जो है वो हाइड्रोजन को रिमूव किया, तो ये अब ये के और ये सी एल जो है वो रिमूव होने वाला था, तो एक तो के सी एल का प्रोडक्ट मुझे मिल जाता है, फिर ये एच और ये ओ एच ऐसे रिमूव होगा, तो वो एच टू ओ का प्रोडक्ट भी मुझे यहाँ से मिल जाता है। तब आपने क्या किया, अल्फा और बीटा टू में से दोनों के कार्बन की एक एक से वैलेंसी आप लोगों ने कम कर दी, तो जो सिंगल बॉन्ड है उसी की जगह पर मैं क्या करूंगा, डबल बॉन्ड लिख दूंगा, तो मुझे प्रोपीन या फिर प्रोप वन इन का फॉर्मेशन यहाँ पे मिलता है। अब ये तो कंडीशन ठीक थी कि जो आपका अल्फा यानी जो हैलोजन था वो अल्फा पोजीशन जो थी वो बीच में आ रही थी। कभी अगर ऐसा हो कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो तब हम क्या करेंगे, तो एक एग्जांपल मैंने लिया है जहाँ पे कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। देखिए क्या है, कार्बन जो ब्रोमिन जिस कार्बन पे अटैच है वो सेकेंड कार्बन है, बराबर है। तो अब यहाँ पे ये आपकी जो अल्फा पोजिशन है यहाँ पे बीटा वन एक तरफ आता है और यहाँ पे बीटा टू आएगा बिकॉज यहाँ पे एक और कार्बन है। अब बेसिकली क्या है, टोटल चार कार्बन है, सेकंड कार्बन को बी आर अटैच है, लेफ्ट में भी एक कार्बन है राइट में भी एक कार्बन है, लेफ्ट वाले कार्बन को हम लोग बीटा वन लिख रहे हैं, राइट वाले कार्बन को हम लोग बीटा टू लिख रहे हैं। आपको यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे इसलिए ये टू टू लिख के आपको उसको आगे बैलेंस करना पड़ेगा, वो फिलहाल हम बाद में देखते हैं। पहले ये देखते हैं कि अगर आप बीटा वन से एलिमिनेट कर रहे तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा। अगर मैं बीटा वन से एलिमिनेट करूंगा तो ये जो हाइड्रोजन है ये जो हाइड्रोजन इसको मुझे यहां से रिमूव करना पड़ेगा और ये जो Br इसको भी मैं यहां से रिमूव करूंगा, तो फिर क्या होगा, ये K और ये Br यहां से रिमूव हो जाएगा। सो वन टाइम
ये मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया। तो एक बार क्या हो जाएगा, एक तो ये K और ये जो PR था वो KBR यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब क्या होगा, मैं बीटा वन का एलिमिनेशन कर रहा हूँ, तो बीटा वन में जो प्रोडक्ट है वो मैंने यहाँ पे लिखा है, तो ये जो आपका H है और ये जो OH है वो वन टाइम वाटर मॉलिक्यूल भी यहाँ से बाहर निकलेगा। अब आपने अल्फा और बीटा वन की जो बैलेंसेज है उनको इनकम्प्लीट रखा है यहाँ पे, तो इसलिए हमने क्या किया, डबल बॉन्ड देके उसको कंप्लीट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, बीटा टू का लिखेंगे। जब आप बीटा टू से एलिमिनेशन करेंगे वापस क्या होगा, ये के और ये बी आर, सेकेंड टाइम आपको के बी आर मिल जाएगा, और ये ओ एच और ये एच, एक और सेकेंड टाइम आपको वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे मिलता है। अब क्या होगा, अल्फा और बीटा टू से आपने एलिमिनेशन किया तो वापस उनकी बैलेंसेज आप लोगों ने इनकम्प्लीट रख दी, तो यहाँ पे अब सिंगल बॉन्ड की जगह पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, बाकी जो कंपाउंड की वैलेंसीज है वो वैसे के वैसे ही रहेगी। अब इसमें इश्यू ये होता है कि आपका मेजर प्रोडक्ट कौन सा है और आपका माइनर प्रोडक्ट कौन सा है, वो डिटेक्ट करने के लिए हम लोग एक रूल का यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये है आपका सैटजेफ रूल। सैटजेफ रूल में हम लोग क्या करते, देखिए, ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स अटैच टू डबल ए बॉन्डेड कार्बन एटम्स को आप कंसिडर करेंगे एज अ मेजर प्रोडक्ट। अब देखिए, जो आपका डबल ए बॉन्डेड कार्बन एटम्स है उस डबल बॉन्ड को ज्यादा ग्रुप्स कहां पे अटैच्ड है। फॉर एग्जांपल, अब ये जो डबल बॉन्डेड है इसके लेफ्ट हैंड साइड में एक ग्रुप है और इसके राइट हैंड साइड में तीन ग्रुप्स है, और ये जो है यहां पे क्या होगा, इसके लेफ्ट हैंड साइड में टू ग्रुप्स है और राइट हैंड साइड में टू ग्रुप्स है। तो बेसिकली क्या होगा, इसको डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स इक्वली अटैच्ड है, या फिर जो आपने यहां पे बोला था कि ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप जो अटैच्ड है, तो उस हिसाब से हम लोग इसको जब मेजर प्रोडक्ट कंसिडर करेंगे सो दैट विल बी 80% बाय कंपोजिशन। वो जब आप इसको एज अ माइनर प्रोडक्ट कंसिडर करेंगे तो ऑब्वियसली वो कितना आएगा, 20% बाय कंपोजिशन या फिर एट। ओके, तो सैटजेफ रूल यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट था, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका जो चैप्टर है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, और हम लोग अभी आगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है उसको स्टार्ट करेंगे, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज है, ये सब कुछ हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आपको अगर कुछ भी डाउट है तो उसे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं जरूर उसका आंसर दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट करें, तब तक के लिए थैंक यू।